एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी पार्किंसन डिजीज है उसके लिए, मतलब कहा जा रहा है कि पार्किंसन डिजीज जो होती है ना बहुत खतरनाक होती है। मतलब आज के टाइम पे कहेंगे कि 1,000,000 लोगों को इंडिया के अंदर पार्किंसन डिजीज देखने को मिल रही है इतने सारे लोगों के अंदर। तो ये यहाँ पे जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है ना, इसमें बात की गई है कि पार्किंसन डिजीज से बचने के लिए ना सिर्फ इंटेंस एक्सरसाइज जो हम करते हैं ना, वर्कआउट वगैरह, उसी से हम क्या है इसको ठीक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ये कंप्लीट ठीक तो नहीं होगी बट इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब पार्किंसन डिजीज क्या होती है, जब भी पार्किंसन की बात आती है ना, ये हमारी ब्रेन रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, ब्रेन के रिगार्डिंग, जिसमें क्या होता है जो हमारा प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में काउंट होती है कि ब्रेन के अंदर जो होती है ना हमारी है ना क्षमताएँ वो कम हो जाती है। लाइक हमारा ना मूवमेंट वगैरह में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। अगर आपको कहेंगे कि आप लिखना चाह रहे हो तो आप लिख नहीं पाते, आप वॉक करना चाह रहे हो तो आप अच्छे से वॉक नहीं कर पाते। ठीक है ना, आप अगर कुछ काम कर रहे हो, अगर आपने कोई बर्तन वगैरह भी उठाया तो आप उसको अच्छे से नहीं उठा पाते, तो आपके मतलब कांपता है शरीर, जो कि आप ओल्ड एज में देखते हो ना लोगों के अंदर, ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं वॉक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते अच्छे से, उनका शरीर कांपता है। इवन लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे भी उनका दिखता है। इवन अगर मैं हैंड राइटिंग की बात करूँगी ना, अपना हैंड राइटिंग के अंदर भी पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है कि लाइक उनके अंदर जितनी कपकपी हुई राइटिंग दिखेगी, ऐसे कपकपी, तो उसमें कहते हैं कि पार्किंसन डिजीज का पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बैलेंस वगैरह में इश्यूज देखने को मिलते हैं, जो कि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी पर्सन के अंदर। ठीक है, बट ये जो डिजीज होती है ज़्यादातर ओल्ड एज में ही देखने को मिलती है, रेयरली, कभी कभी रेयरली चांसेस होते हैं जिसमें क्या है बच्चों के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, अडल्ट होते हैं उनके अंदर, टीनेजर्स होते हैं इनके अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, बट ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इवन जो है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई मेडिसिन से इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई है जिसमें कहा गया है कि पार्किंसन डिजीज़ है ना उसको हम इंटेंस एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है वो हेल्प कर सकते हैं हमारे न्यूरोन्स जो डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इस टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। ठीक है, अब ये जो स्टडी है ना इसने मोर विजिबली बताया कि क्या नाम है, ये जो हमें पार्किंसन डिजीज होती है ना ज़्यादातर मेंस के अंदर आपको देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, समटाइम औरतों के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है समटाइम, बट मैन जो होते हैं इंसान लोग आदमी जो होते हैं ना उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मोस्टली आदमियों के अंदर ये मतलब पार्किंसन डिजीज देखने को मिल जाते हैं। अब जो पार्किंसन मैंने आपको बता दिया क्या सिम्टम वगैरह होते हैं, बट ये हमारी पार्किंसन डिजीज है क्या, ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी पार्किंसन जो डिजीज है ना ये ब्रेन के रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं हो पाता, न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज होगी उनमें इसको काउंट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेन रिलेटेड डिजीज है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर हमारा सब्सटेंशियल निग्रा होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन है उसके अंदर एक सब्सटेंशियल निग्रा होता है, सब्सटेंशियल निग्रा, तो उसके अंदर क्या नाम ये चीज़ देखने को मिलता है। आइए मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। जैसे ये पार्किंसन डिजीज का एक ब्रेन है, किसी इंसान का हेल्थी ब्रेन है, आपको ऐसा हेल्थी ब्रेन पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा अभी जिसका मैंने नाम बोला है सब्सटेंशिया निग्रा, जो सब्सटेंशिया निग्रा होता है ना इसके अंदर ये डिग्रेड होने लग जाता है। अगर नॉर्मल जो पर्सन है ना उसके अंदर जो पार्किंसन के अंदर देखने को मिलते हैं, तो जैसे ये आपको यहाँ का पार्ट दिख रहा है इजिली, यहाँ पे आपको सब्सटेंशिया निग्रा बहुत पर्टिकुलर देखने को मिलता है। यहाँ बीच में रेड न्यूक्लियस हो गया, रेटिकुलर फॉर्मेशन हो गया, सेरेब्रल एडिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दिख रही है, पर जो सब्सटेंशियल निग्रा होता है ना वो आपको ना डिग्रेड होता हुआ दिखेगा, और जिसको पता है बाद में हम अच्छे से कर नहीं पाते। ठीक है, अच्छे से मतलब ये पुराना वापस से यहाँ पे रिजनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं इसके अंदर दिख रहा है, इसमें आपको इशू देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ऐसे जो पर्सन होते हैं ना समटाइम क्या होता है इनकी जो मृत्यु होती है, डेड तो लेट हो रही है, इतनी जल्दी ये मरते नहीं है। ठीक है, बट इनके अंदर ना पेयरिंग वगैरह में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे पेयर अच्छे से नहीं बना रहे, और पर्सन जो होता है वॉकिंग वगैरह इस चीज़ में वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। जो सब्सटेंशियल निग्रा है ना इसका जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, जो हेल्थी के इंसान के अंदर है तो उसमें मेन वर्क इसका क्या होता है, ये मतलब कंट्रोल करता है किसको, हमारे जो बॉडी मूवमेंट होती है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स को ये हमारे कंट्रोल कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। पार्किंसन डिजीज मैंने बताया कि यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा।
ठीक है, पर्टिकुलरली आपका ना वो कर पाओगे ना आपका किसी चीज़ में कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, तो ये इशू यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेम इसका होता है, जो सब्सटेंशियल निग्रह है वो हमारा फंक्शन उसका मेन यही है कि उसे बैलेंस करना होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन का मूवमेंट होता है इसको बैलेंस करने के लिए काम होता है, जो कि ये बैलेंस नहीं कर पाता और बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो हमारा सब्सटेंशियल निग्रह जो होता है अगर इसकी लेयर्स डिग्रेड होने लग जाती है, ठीक है, डिजनरेट होने लग जाएगी और क्लियरली विजिबल नहीं होती। अब इसके साथ है ना, इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो हमारा सब्सटेंशियल निग्रह होता है ना, ये हमारा डोपामिन से भी कनेक्टेड होता है। अब डोपामिन आपको पता है, डोपामिन जो हमारे अंदर फीलिंग ऑफ लस्ट दिस टाइप की भावनाएँ जो क्रिएट करता है हमें, अच्छा, ठीक है, फीलिंग ऑफ वेल, ये सारी चीज़ होने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। तो जब आपका सब्सटेंशियल निग्रह रिड्यूस होने लग गया ना, यहाँ पे आपका नो डोपामिन हार्मोन देखने को मिलेगा, तो डोपामिन हार्मोन भी यहाँ पे जनरेट नहीं होता, ठीक है। अब बेसिकली अगर डोपामिन की सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं बात करूँगी, तो आपको पता है किसी भी चीज़ की नॉर्मल एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलती, बट ये हमारा प्लेजर से कनेक्टेड होता है कि जो हमें प्लेजर मिलता है उससे कनेक्ट होता है। उसके साथ साथ ये हमारा ऑपरेट करता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स को, ठीक है, जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर करता है, जो ब्रेन से कनेक्ट होकर करता है, तो ये क्या करता है, मिलियंस ऑफ नंबर में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, जिससे क्या है, मस्कुलर सेल मूवमेंट हमारी हो जाती है, ठीक है, जो हमारे सेल्स की मूवमेंट देखने को मिलती है, बॉडी टू बॉडी हम जो भी वर्क कर पा रहे हैं, तो डोपामिन के उससे हम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इशू देखने को मिलते हैं। अब जो हमारे सिम्टम्स क्या क्या इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं कर पाते, इंसान को चक्कर आ रहे हैं, गिर रहा है, वोमिटिंग भी आ रही है, उसकी मूवमेंट स्लो हो रही है, ठीक है, स्लो मूवमेंट देखने को मिल जाए, शिवरिंग, काँप रहा है हाथ, काँपता हुआ हाथ देखने को मिलेगा आपको, उसका कोऑर्डिनेशन उस पर्सन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा ईजिली। इवन उसकी ईटिंग प्रॉब्लम भी उसके अंदर देखने को मिलती है। अब ईटिंग प्रॉब्लम में कैसे देखने को, अगर वो कुछ खा रहा है ना, तो वो खा नहीं पाता, इवन उसका ना जो गले से ना वो गटक नहीं पाता कुछ भी, इवन वो बोल नहीं पाएगा। स्पीकिंग प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, स्पीकिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। यूरिनरी, ठीक है, यूरिनेशन आपको बहुत ज़्यादा उस पर्सन की देखने को मिलेगा, ठीक है, यूरिनरी की प्रॉब्लम आपको उसमें देखने को मिलेगी। डिप्रेशन का वो शिकार होगा, इमोशनली उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो हमारा पार्किंसन डिजीज होता है। आप इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करूँगी, तो मैंने इन द स्टार्टिंग में आपको बता दिया, इसका कोई ट्रीटमेंट आज तक आया नहीं है, ठीक है, बहुत पुरानी डिजीज़ है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, कोई पर्टिकुलर कोई मेडिसिन से हम इसको ठीक नहीं कर सकते। इवन इसका आपको पता है, कोई भी प्रॉपर ब्लड टेस्ट नहीं होता, ठीक है, जो जितने हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं ना, कोई भी नो प्रॉपर ब्लड टेस्ट है जिससे हम डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते कि पार्किंसन डिजीज का ये पर्सन है, ठीक है, जो हमारे रेडियोलॉजिकली हम इसको करते हैं वो सब नहीं कर पाते। तो इसको क्या होता है, सम टाइम है ना, बहुत लेटर हमें आइडेंटिफाई होता है कि हाँ किसी पर्सन को पार्किंसन डिजीज है, तो आइडेंटिफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मतलब ये चीज़ इसके अंदर पूरी पूरी है, जो हमारी स्टडी हुई ना, उस स्टडी ने सिंपली बताया कि जो हमारा पार्किंसन डिजीज़ है ना, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। अब एक्सरसाइज की बात आए, तो एक्सरसाइज में क्या होगा, योगा वगैरह जो होती है हमारी, वो सारी चीज़ें करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटेंस एक्सरसाइज कैसे हेल्प कर रहा है ना, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जब कोई भी पर्सन एक्सरसाइज करता है, तो एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्रेन भी वर्क करता है उसके साथ साथ, ठीक है। इसमें इंटेंस की बात कर रखी है बहुत ज़्यादा, तो उसे एक्सरसाइज करते तो हमारे पसीने वगैरह निकलते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है। अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बड़े लेजी रहते हो, तो आपको पता है आपका दिन इतना अच्छा नहीं जाता। और इवन अगर आप मॉर्निंग में उठ के थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लेते हो, ये योगा कर लेते हो, मेडिटेशन कर लेते हो, व्हाटएवर, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि आपका ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और पूरा दिन बहुत एक्टिव रहता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपका हेल्थी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज कर तो आपका हेल्थी लाइफस्टाइल भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो इसमें होता है, ये अगर आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, तो उसके बाद आपका ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, उसमें भी इसको हेल्प मिलेगी। न्यूरोट्रॉफिक जो हमारे न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होते हैं ना, उसको भी ब्रेन ड्राइव कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा ब्रेन के अंदर, जिससे क्या है, न्यूरॉन्स की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जो और नए नए न्यूरॉन्स होंगे ना, उनकी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी, ग्रोथ विजिबल होगी। पहले तो रिड्यूस हो रही थी पार्किंसन की वजह से, पर उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिससे क्या सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर पर्सन बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, डेली वर्क कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा इसके साथ साथ जो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, पर उसके साथ साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें भी उसका जो फंक्शन वगैरह है इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, न्यू माइटोकॉन्ड्रियाज बनने लग जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा हेल्थी हो गया, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसका हमारा क्या हेल्प क्या हो रही है, तो
तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बॉडी के अंदर ना प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। ब्रेन हेल्थी ब्रेन रखने के लिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारा ब्रेन हेल्थी है तो माइटोकॉन्ड्रिया होना बहुत ज़रूरी है, इज़ अ नेसेसरी, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारा नया बनने लग जाता है और ये भी हेल्थी हो जाता है, क्योंकि क्या कहते हैं ना जो हमारा अल्फा सिनिकोल है वो ये एग्रीगेट करता है, जिसमें क्या है जो हमारे एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, तो इस एक्सरसाइज से क्या होता है हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं जितने भी हमारे एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहे हैं। अब पार्किंसन डिजीज के जो एबनॉर्मल बनता है अल्फा सिनिकोल एग्रीगेटिव बन जाता है, ठीक है, तो इन एबनॉर्मल प्रोटीन को ये रिड्यूस कर देता है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक्सरसाइज कैसे करें उसके बारे में पता होना चाहिए अगर किसी को डिजीज है, तो ये 4 times a week, एक वीक में पूरे हफ्ते में आप 4 times कर सकते हो या 5 times कर सकते हो, ठीक है। 4 to 5 times करोगे तो दैट्स इनफ आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है तो उससे भी आपकी ये चीज़ ठीक हो सकती है, पार्किंसन मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इवन साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका वेट वगैरह कम है तो आप वेट वगैरह उठा रहे हो, ठीक है, वेट आप अच्छे से उठाओ बट लेस वेट उठाओ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके साथ आप योगा करो, योगा के साथ डांसिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, ठीक है, और उसके साथ आपका स्लीप को इम्प्रूव करो, टाइम पे सो टाइम पे उठो, और उससे क्या आपका फोकस इम्प्रूव होगा, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह इम्प्रूव होगा, जिससे मतलब बेसिकली जो कह रहे हैं कॉग्निटिव जो स्किल्स होती हैं, कॉग्निटिव जो हमारी स्किल्स होती है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो यही है कि जो एक्सरसाइज से हम क्या है पार्किंसन डिजीज से लड़ सकते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज से हम पार्किंसन डिजीज से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में यही चीज़ें बता रखें, और ये बहुत ज़्यादा बार पब्लिश हो गया, देखो 20 घंटे पहले, 2 दिन पहले, तो बहुत आर्टिकल इसके रिगार्डिंग पब्लिश हुए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।